जय श्री श्याम मित्रों मित्रों, खाटू श्याम बाबा जो कि कलयुग के देव हैं, उनको प्रसन्न करने का मैं बहुत ही सरल उपाय आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये उपाय आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। जय श्री श्याम। शिक्षा मित्रों, मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों आज मेरा ये टॉपिक है कि खाटू श्याम बाबा जो कि कलयुग के देव हैं और सबकी मुँह मांगी मुरादें पूरी करते हैं, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। मित्रों उनको प्रसन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आज जो टॉपिक बता रहा हूँ ना दोस्तों, आज जो मैं आपको प्रसन्न करने का तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो तरीका कोई भी कर सकता है। क्योंकि देखो दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो मंत्र जाप कर सकते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो कहते हैं हम मंत्र जाप भी नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली कैपेबल होते हैं वो मंदिर में जा सकते हैं, हर महीने जाने का नियम ले सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होते वो हर महीने मंदिर में भी नहीं जा सकते। तो ऐसे लोग तो क्या करें, साल में एक बार मंदिर जाए, खाटू श्याम जी के मंदिर साल में एक बार जाने का नियम ले लें अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो, और अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो वो हर महीने भी जा सकता है। बट दोस्तों फिर भी मैं एक आपको ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपका पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, और उस उपाय के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मित्रों अगर मैं आपको ऐसा उपाय बता दूँ, भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि आप कलयुग में श्याम नाम से घर घर पूजे जाओगे। तो खाटू इनकी नगरी है और श्याम इनका नाम जो भगवान श्री कृष्ण ने इनको दिया था उस नाम से आज ये पूजे जाते हैं। तो इनमें वही जो 16 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने अपना रूप और अपना नाम दोनों इनको दे दिया। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की जो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है काफी हद तक वही प्रसन्न करने का तरीका भगवान खाटू श्याम बाबा का भी है। बट आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ मित्रों, बहुत सारे उपाय मैं आप मेरे वीडियो से जुड़े आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको रोज नए नए उपाय बताऊंगा बाबा को प्रसन्न करने का। पर आज जो उपाय बता रहा हूँ वो ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, गरीब लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबा हरे के सहारे हैं और बाबा हर उनसे इंसान की मदद करते हैं जो हरा हुआ रहता है। तो दोस्तों वो क्या करे जो बहुत दूर बैठा है, वो नहीं आ सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मंदिर में पहुंच सके और उनके आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, तो वो क्या करें। तो मित्रों आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आज कलयुग में गली गली में भगवान श्याम बाबा के, खाटू श्याम बाबा के मंदिर बने हुए हैं, और गली गली में हर शहर में हर गांव के अंदर भगवान खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो लोग जो नहीं जा सकते मंदिर में वो कीर्तन में तो जा सकते हैं, तो दोस्तों उन लोगों को कीर्तन में जाना, बाबा के कीर्तनों में जाना शुरू करें। क्योंकि देखिए बाबा जब ही आपसे खुश होंगे जब आपके भाव बाबा से जुड़ेंगे, जब तक आपके भाव बाबा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लो बाबा खुश नहीं होंगे। तो बाबा को खुश करने के लिए सबसे पहले आप बाबा के जो कीर्तन हो रहे हैं, बाबा की जो भजन संध्याएं हो रही है, उन भजन संध्याओं में जाना शुरू करो। मित्रों अगर आपका कोई रिलेटिव कराता है, कोई आपका कोई भी, चाहे आपका सेठ हो, चाहे कोई ग्रुप मंडल वाला हो, चाहे आपका कोई मित्र हो, चाहे कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई भी अगर भगवान खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या करता है, श्री कृष्ण भगवान की भजन संध्या करता है, तो उस शाम भजन संध्या के अंदर आप जाना शुरू कीजिए। मित्रों जब आप उस शाम भजन संध्या में जाएंगे तो बाबा के आप धीरे धीरे करीब होते जाएंगे। क्योंकि मित्रों ऐसे कोई भी अपना टाइम खर्च करके कहीं नहीं जाता, कोई इंसान जब वहाँ जाता है ना, और जब भगवान के आप ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए जगह जगह भगवान की भजन संध्याएं क्यों हो रही है, क्योंकि बाबा भजनों के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं। अगर आप वहाँ जाके उनके दो चार भजन भी आपको याद हो गए ना, और दो चार भजनों से भी आपके मन में भाव जागृत हो गए बाबा के, तो बाबा आप पे कृपा करेंगे। मित्रों आज ये बहुत ही मैं छोटा वीडियो बनाया है मैंने, और बहुत ही सिंपल वीडियो बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत दूर रहते हैं खाटू से और वो मंदिर नहीं जा सकते। तो बाबा के आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हो। आज तो खाटू श्याम जो मंदिर है उन्होंने एक साइट बना रखी है, यूट्यूब वीडियो भी बना रखे हैं उनके, कि आप ऑनलाइन बाबा के दर्शन कर सकते हो। तो आप बाबा के ऑनलाइन दर्शन करो और बाबा से अरदास करो, और जब भी बाबा का भजन संध्या आपके कहीं निकट हो तो वहाँ जाके बैठिए दोस्तों, वहाँ दो चार घंटे आप दीजिए, टाइम दीजिए भजन संध्या में, और भजन करिए बाबा के, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। मित्रों धीरे धीरे बाबा से आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। देखिए बाबा बड़ा चमत्कारी है, इसमें कोई शक नहीं है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम बाबा कलयुग के अंदर सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। मित्रों मैं तो यहाँ तक ये मानता हूँ कि जो भाव से जाए और बिना भाव से जाए, दोनों कंडीशन में बाबा उसकी मनमांगी मुराद पूरी करते हैं। जो पहली बार जाता है बाबा उसकी भी मनमांगी मुराद पूरी करते हैं। पर फिर भी मित्रों
मैं आपको ये कहता हूँ कि कुछ मांगने के लिए मत जाइए। अगर बाबा के पास आप जा रहे हैं तो आप बाबा के पास सिर्फ ये सोच के जाइए कि बाबा तू मेरा और मैं तेरा। जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन बाबा आप पे कृपा करना शुरू कर देगा और आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। मित्रों जय श्री श्याम। मित्रों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोज़ मैं मेरे चैनल पर लेके आऊँगा मित्रों।